क्रेडिट कंट्रोल, तो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट का मीनिंग है जैसे कि बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें उस क्रेडिट को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है, क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग क्या है और किन किन मेथड्स के थ्रू हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। क्रेडिट कंट्रोल किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जो क्रेडिट प्रोवाइड करना है वो हम, वो किसका मेन फंक्शन है, बैंक्स का मेन फंक्शन है। किसी भी कंट्री के बैंक्स का मेन फंक्शन है क्रेडिट प्रोवाइड करना पब्लिक को, बट उस क्रेडिट को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है। मोस्टली कंट्रीज़ में जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी उनके सेंट्रल बैंक को दी जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पर क्रेडिट को कंट्रोल करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है। आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग है, क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। मीन्स क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि क्रेडिट के रेगुलेशन को कंट्रोल करना डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पर जो ये क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ किया गया है, इनका मीनिंग क्या है, एक्सपेंशन मीन क्या है कि पब्लिक के पास ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट कैश की फॉर्म में है बैंक के थ्रू, बैंक उनको लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, क्रेडिट का एक्सपेंशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग हो गया कि कम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी को ही क्रेडिट कंट्रोल बोला जाता है। इट हेल्प्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमें क्रेडिट कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पर दो मेथड हैं, दो मेन हेडिंग बनाई है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। जो हम क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल के, उनमें क्वांटिटेटिव, यहाँ पर क्वांटिटेटिव वर्ड से ही शो हो गया कि हमें क्वांटिटी का यूज़ करना है। क्वांटिटी मीन्स हमें अमाउंट लेनी है, यहाँ पर रेट्स का, रेशो का, नंबर्स का यूज़ करेंगे हम, तो वो वाले मेथड क्वांटिटेटिव मेथड होंगे। क्वालिटेटिव मेथड में हम नंबर्स का, इन सब का यूज़ नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में फर्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। तो अब बैंक रेट के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसको हम दो डायग्राम्स की हेल्प से देखेंगे, अगर बैंक रेट इंक्रीज़ होगी या फिर अगर बैंक रेट डिक्रीज़ होगी। अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जो उस पर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर बैंक रेट इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ऑन लोन भी इंक्रीज़ होगा, मतलब कि अगर पब्लिक लोन लेगी कॉमर्शियल बैंक से तो उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर पब्लिक लोन लेने के लिए तैयार नहीं होगी, तो इस वजह से यहां पर क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आरबीआई ये चाहते हैं कि बैंक उसका क्रेडिट का एक्सपेंशन ना हो, कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, क्रेडिट का एक्सपेंशन नहीं होने देना चाहते, तो वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे यहां पर। और अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा तो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब पब्लिक को कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेंगे कॉमर्शियल बैंक, और अगर कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर पब्लिक को लोन मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का। अब इसके बाद हम एक डायग्राम बना के डाटा भी शो कर सकते हैं इसके अंदर कि बैंक रेट किस साल कितनी थी। इसके लिए हमें मेनली दो ईयर्स के डाटा को मेंशन करना होगा, या तो हम ओनली करंट ईयर का ही लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हम एक तो बिल्कुल ही पास्ट का डाटा लेंगे और एक लेंगे बिल्कुल करंट का। 1973 में बैंक रेट 1-7% के बीच थी और 2022 में 6.15% हो गई थी बैंक रेट। सेकेंड पॉइंट है SLR। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो इसकी हेल्प से कैसे कंट्रोल करेगा क्रेडिट को RBI, तो ये हम पढ़ने से पहले हमें SLR का मीनिंग पता होना चाहिए। SLR की फुल फॉर्म तो हो गई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ पर जो ये वर्ड दिए गए हैं, तीन वर्ड, इन्हीं से इनका मीनिंग पता चलेगा। स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है मैंडेटरी, लिक्विडिटी मीन्स कैश की फॉर्म में,
रेशो मतलब कि इतना परसेंटेज उन्हें मेंटेन करना है। तो SLR का मीनिंग क्या हुआ कि इतने परसेंट डिपॉजिट का बैंक को अपने पास लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में रखना मैंडेटरी है, तो वो हो गई SLR। जो SLR है उसकी रेट डिसाइड की जाती है RBI के द्वारा। तो अब जो ये SLR को मेंटेन करना है जितनी भी रेट से करना हो चाहे, इसको मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो पब्लिक ने डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक के पास अमाउंट, पब्लिक जब भी डिमांड करेगी तो उनको इजीली अमाउंट प्रोवाइड हो सके, इसलिए बैंक को कैश की फॉर्म में अपने पास रखना मैंडेटरी है। सारी की सारी अमाउंट को पब्लिक की जितनी भी डिपॉजिट है बैंक उसको लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते, उनको कैश की फॉर्म में मेंटेन करके रखनी पड़ती है कुछ अमाउंट। तो अगर RBI SLR को इंक्रीज़ कर देगा, SLR की जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगा, तो कॉमर्शियल बैंक हैं जो, उनको लिक्विड एसेट ज़्यादा रखनी होगी मतलब कैश की फॉर्म में अमाउंट अपने पास ज़्यादा रखनी होगी। तो इससे क्या होगा, उनके पास कम अमाउंट बचेगी लोन प्रोवाइड करने के लिए। अगर उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए कम अमाउंट है तो पब्लिक तक मतलब कि क्रेडिट कम पहुंच रहा है, लोन कम दे रही है वो पब्लिक को, तो क्रेडिट का यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बट अगर SLR डिक्रीज़ कर दे RBI तो लिक्विड एसेट बैंक को कम मेंटेन करनी पड़ेगी, कैश की फॉर्म में कम अमाउंट रखनी पड़ेगी बैंक को। तो इसके क्या होगा, बैंक के पास जो भी कॉमर्शियल या पब्लिक बैंक हैं उनके पास ज़्यादा अमाउंट हो गई लोन की फॉर्म में देने के लिए पब्लिक को। तो इससे पब्लिक के पास ज़्यादा अमाउंट पहुँच रही है लोन की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी डाटा यूज़ किया है, 2019 में SLR 19% थी, 2022 में SLR 18% हो गई थी। थर्ड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इस मेथड के थ्रू भी RBI क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। कैसे करेगा वो, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के सेल और परचेज़ की हेल्प से, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज़ करके भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर RBI क्रेडिट को दो तरीके से कंट्रोल कर सकता है, या तो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके या फिर सिक्योरिटीज़ को सोल्ड करके। अगर RBI सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जिन भी बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से उसने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं उस बैंक को RBI को पेमेंट करनी पड़ेगी। RBI उन बैंक्स को पेमेंट करेगा। अगर RBI उन बैंक्स को पेमेंट करेगा तो उन बैंक के पास क्या होगा, कैश की फॉर्म में अमाउंट ज़्यादा जाएगी, तो इससे वो क्रेडिट दे सकते हैं, लोगों को लोन दे सकते हैं, तो क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। बट RBI अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को सोल्ड करता है और कोई भी पब्लिक या फिर कॉमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेता है, RBI के द्वारा सिक्योरिटीज़ सोल्ड की गई हैं और कॉमर्शियल या फिर पब्लिक बैंक के द्वारा वो सिक्योरिटीज़ परचेज़ की गई हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक है जिन्होंने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं उनको RBI को पेमेंट करनी होगी। वो बैंक RBI को पेमेंट करेंगे और अगर वो पेमेंट करेंगे तो उनके पास अमाउंट कम हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फोर्थ पॉइंट है CRR। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। जैसे हमने SLR पढ़ा था वैसे ही ये रेशो भी RBI के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। बट डिफरेंस क्या है, SLR में जो अमाउंट थी लिक्विड की फॉर्म में रखनी थी, कैश की फॉर्म में रखनी थी, वो बैंक को अपने पास रखनी थी। बट यहाँ पर जो कैश रखना होगा वो सेंट्रल बैंक के साथ रखना होगा, मेंटेन विद दी सेंट्रल बैंक, यहाँ पर उसे कैश सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करना होगा। तो CRR क्या है, CRR वो मिनिमम कैश रिजर्व होता है जो हर एक बैंक को सेंट्रल बैंक मींस RBI के साथ मेंटेन करना होता है। तो इसकी हेल्प से भी RBI कंट्रोल करती है क्रेडिट को। अगर CRR इंक्रीज होगी तो बैंक को ज़्यादा कैश मेंटेन करना होगा RBI के साथ, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बैंक के पास कम अमाउंट बचेगी लोन देने के लिए। और अगर CRR की अमाउंट लेस कर दी जाए मतलब CRR का रेशो है जो वो कम कर दिया जाए RBI के द्वारा, तो बैंकों को कम कैश मेंटेन करना होगा RBI के साथ में, तो इससे बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगा एक्सपेंड करने के लिए, तो क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट, अब CRR का डाटा दिया हुआ है, ईयर 1993 में CRR 14% था, 2022 में 4.5% हो गया था। फिफ्थ पॉइंट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। पहले दोनों का मीनिंग क्लियर करेंगे। रेपो रेट का मीनिंग क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म है रेपो रेट मींस रीपरचेज ऑक्शन रेट। रेपो रेट होती है रीपरचेज ऑक्शन रेट, एंड रिवर्स रेपो रेट मींस रिवर्स रीपरचेज ऑक्शन रेट। तो रेपो रेट क्या है, इट मींस द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड फ्रॉम RBI।
जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से फंड को बोरो भी कर सकते हैं और आरबीआई के पास फंड को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड को बोरो करते हैं, मीन्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट है। और रिवर्स रेपो रेट इसका रिवर्स ही हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई डिपॉजिट के ऊपर कमर्शियल बैंक को देता है, कमर्शियल बैंक ने जो डिपॉजिट आरबीआई के पास रखी हुई है, जो डिपॉजिट की हुई है आरबीआई के पास, उस डिपॉजिट पर जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है, तो उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट मीन्स कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं तब उन्हें पे करनी पड़ती है, रिवर्स रेपो रेट मीन्स आरबीआई के द्वारा डिपॉजिट पर दी जाती है। अब नेक्स्ट हम इसको डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, रेपो रेट का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना और ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट का, हर एक की दो दो कंडीशन बनेंगी, वो कैसे। फर्स्ट है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गई, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी तो कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से फंड को बोरो करना चाहेंगे तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेपो रेट मीन्स बोरो करने पर जो उन्हें रेट पे करनी पड़ती है वो रेपो रेट है। अगर रेपो रेट आरबीआई ने इंक्रीज कर दी तो कमर्शियल बैंक अगर बोरो करेंगे आरबीआई से कोई भी अमाउंट तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कई बार बैंक क्या सोचते हैं कि हम लोन नहीं लेते, हम बोरो नहीं करते आरबीआई से, तो इससे भी क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और दूसरी बात, अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से अमाउंट ले भी लेते हैं तो वो पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती, वो उनको पब्लिक को वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक उनको नहीं लेगी, तो इससे भी क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और ऐसे ही अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर रेपो रेट डिक्रीज होगी, आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट मिल जाएगी और क्रेडिट का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, मीन्स आरबीआई के पास अगर डिपॉजिट करेंगे कमर्शियल बैंक तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न होगा। अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दे आरबीआई, मीन्स वो आरबीआई ये बोल ले कि हम आपकी डिपॉजिट पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये मतलब है रिवर्स रेपो रेट का। तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गई तो बैंक को डिपॉजिट पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कमर्शियल बैंक हैं जो वो चाहेंगे कि उनका जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट हो ताकि वो बेनिफिट ले सकें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो इससे भी पब्लिक को वो लोन नहीं देंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया क्रेडिट का। ऐसे ही अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाए, अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगी तो बैंक, तो उनको कम रेट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा अगर वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट अगर वो उसे लोन की फॉर्म में पब्लिक को दे रहे हैं तो उन्हें वहाँ से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो इससे क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, तो वो प्रेफर करेंगे अपनी जो अमाउंट है उसको पब्लिक को लोन की फॉर्म में देने को। तो अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगी तो वो जो अमाउंट है उनके पास, जो मनी है उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट ना करवा के पब्लिक को लोन की फॉर्म में देंगे और इससे क्रेडिट का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का भी डाटा है 2022 का। 2022 में रेपो रेट 5.90% थी और रिवर्स रेपो रेट 3.35% थी। सिक्स्थ पॉइंट है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो प्रोग्राम था ये आरबीआई ने अक्टूबर 1960 में स्टार्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्रेडिट कोटा फिक्स किया था कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। क्रेडिट कोटा मीन्स क्रेडिट की एक लिमिट फिक्स कर दी थी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए कि अगर कॉमर्शियल बैंक बोरो करेंगे फंड्स को इस लिमिट के अंदर में तो उन्हें रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उनसे। अगर वो जो डिस्क्राइब डाट कोटा था, डिस्क्राइब लिमिट थी, उसके अंदर में कॉमर्शियल बैंक बोरो कर रहे हैं आरबीआई से। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कॉमर्शियल बैंक जो फिक्स किया गया है कोटा उससे ज़्यादा अमाउंट बोरो कर रहे हैं तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अब इसे हम डायग्राम की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आरबीआई रिड्यूस कर देता है क्रेडिट कोटा को एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि आरबीआई कम अमाउंट दे रहा है बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो इससे क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और दूसरी कंडीशन है इफ़ आरबीआई इंक्रीज क्रेडिट कोटा, अगर ज़्यादा अमाउंट दे रहा है एंड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दे तो इससे एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का।
अब सेकंड मेन पॉइंट था हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये ऊपर हमने जितने भी 6 पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड वाले थे। अब हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन। मार्जिन क्या होता है? अगर लोन की वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज से ज़्यादा है तो वो मार्जिन है। जो ये मार्जिन है ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, और अलग अलग टाइप के लोन्स के लिए आरबीआई अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं मार्जिन की, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइड करता है। अगर मार्जिन परसेंटेज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लोन गिवन फॉर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज डिक्रीज होगा। मॉरल पर्सुएशन, मॉरल पर्सुएशन मीन्स मॉरली इन्फ्लुएंस करना आरबीआई क्रेडिट को कब एक्सपेंड करना है, कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए मॉरली पर्सुएशन भी करता है अपने मेंबर्स को कि किस सेक्टर को कितनी अमाउंट देनी है, कब ज़्यादा देनी है और कब ज़्यादा कम देनी है। आरबीआई कैन ऑल्सो एक्सरसाइज मॉरल इन्फ्लुएंस अपॉन दी मेंबर बैंक्स, तो जितने भी उसके बैंक मेंबर्स होते हैं उनको वो टाइम टू टाइम मॉरली इन्फ्लुएंस करता है मीटिंग्स के थ्रू। इट एडवाइज देम टू इंक्रीज मोर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, तो वो मोस्टली क्या बोलते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो और ज़्यादा डेवलप कर सकें प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट है सीएस, सीएस की फुल फॉर्म है क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। ये स्कीम जो थी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी आरबीआई के द्वारा 1965 में। इस स्कीम के अंडर में क्या था कि अगर कोई भी बैंक 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट या 1 करोड़ की अमाउंट किसी भी सिंगल पार्टी को देते हैं तो उन्हें सबसे पहले ऑथोराइजेशन लेनी होती थी आरबीआई से। तो इस स्कीम के अंडर में ये था कि अगर 1 करोड़ की अमाउंट किसी भी सिंगल पार्टी को दी जा रही है लोन की फॉर्म में तो आरबीआई की ऑथोराइजेशन वहाँ पर लेनी जरूरी थी, बट इस स्कीम को बाद में अबोलिश कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर बैंक 5 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट किसी भी सिंगल पार्टी को फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आरबीआई उनको मॉनिटर करता था। फिफ्थ पॉइंट था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के अंदर क्या था कि आरबीआई अपना डायरेक्ट एक्शन लेगा, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को रोक सकता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने को। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो इस रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेके किसी भी टाइम किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन देने से या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से रोक सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। द न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, तो ये स्कीम आई थी 1995 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लोन सिस्टम, इस लोन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था? बेटर यूटिलाइजेशन करना बैंक क्रेडिट का बाय लार्ज बोरोवर्स। इस स्कीम के अंडर में मैक्सिमम से जो 75% लोन की अमाउंट होती थी वो सेंक्शन की जाती थी एज अ लॉन्ग टर्म लोन, उसे एज अ लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट किया जाता था 75% अमाउंट को। जो बची हुई 25% अमाउंट थी वो शॉर्ट पीरियड के लिए अलाउ की जाती थी। तो अब हमने यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ा है। तो जो ये क्वांटिटेटिव मेथड पढ़े हैं हमने उनमें डायग्राम्स का भी यूज़ किया और हमने डाटा का भी यूज़ किया है, तो इनको डायग्राम्स और डाटा की हेल्प से ही दिखाना जरूरी है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी इनसे इनकी और ये ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे।